नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। पेपर लीक कांड में ईडी की छापेमारी, अधिकांश ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। पेपर लीक मामले में ईडी की 28 ठिकानों पर कार्रवाई हुई। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, डूंगरपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी ने एक के बाद एक जांचें शुरू कर दी। बाबूलाल कटारा, सुरेश ठाका, भजनलाल बिश्नोई सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के दस्तावेज उजागर हुए हैं। बाबूलाल कटारा के परिजनों के नाम पर सामने आई ब्लैक मनी। कटारा के बेटे के नाम पर 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड के दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी में सरगनाओं के बड़े पैमाने पर अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी ने छापे की कार्रवाई में ये कागजात जब्त किए हैं। दस्तावेजों से कई अहम सुराग मिल सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं। कल एक के बाद एक अलग अलग जगहों से खबरें सामने आई कि ईडी ने पेपर लीक मामले में छापेमारी शुरू कर दी है। कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई है एक्शन में ईडी। और जो जानकारी कल के छापों के बाद में पता चली है उसके मुताबिक कई अहम दस्तावेज इन लोगों के घरों पर बरामद किए गए हैं और बेनामी संपत्ति भी मिली है। और इन दस्तावेजों के सहारे बहुत सी जानकारियां ईडी को फिलहाल मिल सकती हैं, इसलिए कार्रवाई जारी है। और राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और लगातार एक के बाद एक अलग अलग जिलों में यह कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। क्या कुछ हाथ लगा ईडी के? बिल्कुल, देखिए आसिफ, ईडी की कार्रवाई में अब तक जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दस्तावेजों की जांच के लिए, इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए ईडी ने जो ये ऑपरेशन शुरू किया था उसमें काफी अहम साक्ष्य ईडी को अभी तक मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरपीएससी के पूर्व मेंबर थे, वो बाबूलाल कटारा हो, भजनलाल बिश्नोई हो या फिर सुरेश ढाका, इन के ठिकानों से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें इनको राजनीतिक संरक्षण भी कुछ लोगों का मिला हुआ था। कई अधिकारियों के साथ साठगांठ के दस्तावेज भी मिले हैं। चूंकि दस्तावेज अब जब्त कर लिए गए हैं और जो एसीबी, एसओजी और राजस्थान पुलिस थी उन्होंने बाबूलाल कटारा तक तो कार्रवाई की लेकिन उससे आगे तक कार्रवाई नहीं हो पाई। अब एसओजी, ये जो साक्ष्य मिले हैं इसके साथ साथ इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है खासतौर पर, चूंकि चाहे वो रीट का पेपर हो या दूसरी प्रतियों की परीक्षाओं, उनमें बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों की शिकायत ईडी के पास पहुंची थी और उन आरोपों की जांच अब ईडी की जो टीम है वो कर रही है। तो अब जो साक्ष्य मिले हैं इसके आधार पर ईडी आगे कार्रवाई में बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये आई है कि जो दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो रीट के अलावा उसमें चाहे जेईएन की हो, कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, वहां भी जो ये नकल गिरोह के जो सरगना हैं इनके जो तार वहां तक जुड़े हुए हैं और उसमें भी मिली भगत के तथ्य जो है सामने आए हैं। तो जो करीब 8 से ज्यादा ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिन पर अब ईडी गहनता से जांच कर सकती है, यानी अब जो एंट्री हुई है ये लंबी चल सकती है। और इसमें जो पेपर लीक प्रकरण से जुड़े लोग हैं या नकल गिरोह से जुड़े लोग हैं उनके साथ साथ इनको संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। कितने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कौन कौन लोग मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, इन तमाम पहलुओं की जांच अब ईडी ने शुरू कर दी है। शुरुआत राकेश बाबूलाल कटारा के घर से हुई थी, क्या कोई गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है अब तक या सभी से फिर पूछताछ होगी? बिल्कुल, देखिए ईडी को गिरफ्तार करने के अधिकार हैं क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर निर्भर है। अभी जो दस्तावेज ईडी ने पकड़े हैं उनके आधार पर इनसे पूछताछ की जाएगी, पंचनामा रिपोर्ट बनाई जाएगी, क्योंकि ये तमाम दस्तावेज ईडी को कोर्ट में पेश करने होते हैं जिनके आधार पर चाहे वो गिरफ्तारी की बात हो या दस्तावेजों की बात या जांच। अब ये इन साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और साक्ष्यों में जब ये साबित हो जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग शामिल हैं तो बाकायदा इनकी गिरफ्तारी भी संभावित है। और इनके साथ साथ इनसे जो जुड़े दूसरे लोग हैं उनको भी ईडी नोटिस दे करके पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। और खासतौर पर राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाओं पर बैठे जो अधिकारी हैं
उनकी भी इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाहे भाजपा हो या ईडी के पास जो और भी दूसरी शिकायतें पहुंची हैं, उन तमाम शिकायतों के आधार पर जो साक्ष्य उनको एकत्रित किया जा रहा है, कुछ साक्ष्य पहले से ही उपलब्ध करवाए गए हैं, उन साक्ष्यों की भी जांच की गई है, और उन साक्ष्यों में जो लोग आरोपी हैं उनको भी ईडी नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब करे। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और पेपर लीक कांड में ईडी की छापेमारी जांच के दायरे में आ सकती है दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं, 8 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं पर ईडी गहन जांच कर सकती है। आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल गिरोह के ठिकानों से अहम दस्तावेज मिले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता के सबूत भी हाथ लगे। ईडी सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की गहनता से जांच शुरू कर सकता है। सीकर जिले के